मैं अनिल नरियानी, इस फिल्म का डायरेक्टर। फिल्म का नाम है हूँ नरेंद्र मोदी बनवा मांगू छू, और बेस है मोदी जी की लाइफ पे, बचपन पे, और उससे मोटिवेशनल फिल्म समझ लीजिए कि मोटिवेशनल फिल्म है। मोटिवेशन को लेके एक बच्चे की कहानी है जो मोदी जैसी जिंदगी जी रहा है और मोदी जैसा बनना चाहता है, बेस वही है उनका। और मेरे साथ जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए। दूसरी प्रोड्यूसर है हमारी तानिया शर्मा जी, मैं चाहूँगा वो भी आए साथ में। मोटिवेशनल पिक्चर है जो गुजरात के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जीवन स्टोरी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर एक बच्चे के जर्नी की कहानी दिखाई गई है, जो कैसे नेगेटिविटी के बाद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़कर और उनके जैसा ही बनना चाहता है। तो आप लोग देखेंगे ये फिल्म, 1 मार्च को रिलीज होगी, देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। और जो है हमारे करण पटेल जो नरेंद्र का मेन करेक्टर है, वो एक मिनट। हाय गाइस, माय नेम इज करण पटेल, मैं इस फिल्म में नरेंद्र का रोल कर रहा हूँ। ये फिल्म जैसे सर ने कहा है मोटिवेशनल फिल्म है। हम इस फिल्म को बच्चों और युवाओं को देखकर ही बनाए थे, ये मोटिवेशनल फिल्म है। मैं चाहूंगा तानिया जी भी दो शब्द बोल दें। हेलो, मैं तानिया शर्मा, राम राम जी, ऐसे वो सब लोग। हमारे ये जो करण पटेल जी हैं, इन्होंने जो एक्ट किया है ना, वो इस लेवल का किया है कि मतलब गुजरात के लोगों को देख के मजा आ जाएगा फिल्म में। मोदी जी के मतलब उनका बचपन, जो मोदी जी बचपन में थे ना, इनका फेस भी वैसा ही मिलता जुलता है। आप उनके बचपन की फोटोज देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे ये। और बाकी इनका एक्ट आप फिल्म में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी बाकी चीज। थैंक यू फ्रेंड्स। लगता है इनको याद नहीं, बहुत टाइम हो गया, भूल गए। ये फिल्म बच्चे से रिलेटेड है। एक बच्चा अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी के बाद भी कैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, कैसे वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर मोदी जी के जैसा बनना चाहता है। उस बच्चे का लक्ष्य लाइफ में कि वो मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी बने। और जो टाइटल दिया आपने, हू नरेंद्र मोदी बनवा मांगू छू, ये टाइटल बताइए कि क्यों दिया, क्या रीजन रहा है इस टाइटल के पीछे? इस टाइटल के पीछे कोई रीजन नहीं है, लेकिन बच्चे से देखो मेन रीजन यही। इसमें क्या है, हर कोई चाहता है कि मतलब सलमान खान बने, शाहरुख खान बने। आज के युवा जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि हम हीरो दिखें, हीरो जैसा। लेकिन हमारे देश का जो हीरो है ना, असली हीरो, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो इसने ये चाहा कि मैं नरेंद्र मोदी जैसा बनना है मुझे, और मुझे रियल हीरो बनना है हमारे मतलब देश के लिए। क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए आप लोगों ने बनाई है? प्रोपेगेंडा क्या चीज होती है कि मोदी जी के बारे में आप लोग? मोदी जी ने तो पैसे दिए नहीं हमको। अगर मोदी जी पैसे देते थे तो प्रोपेगेंडा कर देते। अच्छा, पैसे तो हमारे लगे, ये प्रोड्यूसर है, इनके पैसे लगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी की लाइफ में कुछ झलकियां देखने मिलेगी इस फिल्म में? 100 में से 90% वही दिखेगा आपको। मोदी जी की लाइफ पर ही बेस है और मोदी जी की रियल कहानी को टच करती हुई है पूरी। लेकिन काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती है मूवीज को लेके, तो आपको नहीं लगा कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो मूवी भी अटक जाएगी, आपकी रिलीज नहीं हो पाएगी? अभी रिसेंटली हो रहा है ये सब। नहीं, कंट्रोवर्सी हर चीज में होती है, लेकिन अगर आप उसको कुछ डिफॉल्ट दिखाओ तो। अगर डिफॉल्ट नहीं है तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी भी में। इसमें का गोधरा कांड दिखाया गया? नहीं, वो बच्चे पे फिल्म है तो गोधरा कांड का कोई रिलेशन ही नहीं उससे। और ये बायोपिक नहीं है? या नहीं, इन्होंने कहा मुझे 90% है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये बायोपिक नहीं है, बच्चे को मोदी जी से रिलेटेड दिखाया गया कि उनकी लाइफ में जो घटनाएं हुई है उससे वो इंस्पायर्ड है और उसी तरह से घटनाओं के बाद भी वो आगे बढ़ना चाहता है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को क्रॉस करके वो उस गोल को पाना चाहता है जो मोदी जी बने हैं। मोदी जी आज देश के हीरो है तो उनके जैसा वो करना चाहता है। क्या चाय बेच रहा है फिल्म में? जी बिल्कुल बेच रहा है, चाय बेच रहा है वो। लेकिन जैसे चाय बेच रहे, तो चाय लेवल मोदी जी का स्ट्रगल है वो पूरा है। तो मतलब आप, मैं समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है या बच्चे के ऊपर है, तो क्या है मतलब डिफरेंट? आप क्या बता रहे हैं, आप
मोदी जी की बायोपिक बता रहे हैं या बच्ची का स्ट्रगल बता रहे हैं, इंस्पायर बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, बायोपिक एक अलग चीज, बायोपिक का मतलब है कि हम मोदी जी पे मूवी बना रहे हैं। हाँ। ये मोदी जी पे मूवी नहीं है, मोदी जी को अपना इंस्पायर इंस्पिरेशन मानकर बच्चा उनके जैसे नेगेटिविटी के बाद भी उनके जैसा बनना चाहता है। ओके। जो आज देश के रियल हीरो है। हम किसी मोदी जी पे या किसी पार्टी पे पॉलिटिकली अप्रोच नहीं कर रहे, हम एक देश के रियल हीरो पे कर रहे हैं, जो पोस्ट की गरिमा है, जो उस जैसा बनना चाहता है, इतनी तकलीफ के बाद भी उस पोस्ट को पहुंचते हैं जहां पे आज एक हर आदमी एक गोल होता है कि हम कुछ कर सके अपने लिए। तो नरेंद्र मोदी जी को लगा मना क्यों, मतलब इंस्पिरेशन बनाया गया है? और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूं, बाकी क्यों? मेरा इंस्पिरेशन मोदी है। अच्छा, ये रीजन है हर आदमी की लाइफ में। आप अपना सवाल खुद ही भूल गए। अच्छा, कास्टिंग क्यों पूछा आपने? सवाल पूछ के मुझे वापस बताएं तो सही, पूछा क्यों? नहीं, सिर्फ सवाल पूछना था इसलिए। पॉलिटिकल लीडर्स और भी हैं। नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन जो मुझे पसंद होगा मैं वही बनाऊंगा ना, मैंने वही बनाया, तो उसमें तो सवाल ही नहीं बनता कि और पॉलिटिकल लीडर पे क्यों नहीं बनाया। नहीं बनाना चाहता मैं मोदी जी पे बनाना चाहता हूँ। उसका जवाब ये है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है, यह आपको भी पता और मुझे भी पता है। उसी लिए बेस है करना चाहते हैं, जिस तरह से उनके नाम खराब हो रहा है इन दिनों, लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो आप ये फिल्म के द्वारा उनकी छवि बदलना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखो, अटैक तो भगवान राम पे भी हुआ था, उसकी छवि कोई नहीं बदल पाया। कोशिश भी की गई थी, लेकिन हम कौन होते हैं मोदी जी की छवि को सुधारने वाले? वो सुधरी हुई है, ऑलरेडी सुधरी हुई है। हम तो सिर्फ उस चीज को दिखा रहे हैं आपको, हम कोई सुधारना नहीं चाहते। बिगाड़ने वाले, छवि खराब करने वाले तो देवी देवताओं की भी नहीं छोड़ते, उनकी भी खराब होती है ना, तो हम क्या उनकी हो जाती है? अपने कहने से होती है, नहीं होती है ना, जो है वो तो है। क्योंकि आजकल कई सारी फिल्में बन रही है मोदी जी के ऊपर, उरी हमने देखा जहाँ पर उनकी छवि बदलने की कोशिश की थी सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, तो क्या आप लोग भी उसी लेवल में आप बना रहे हैं कि हाँ एक तरह का? हमने बचपन दिखाया है सिर्फ, और इसके अलावा बन रही है मोदी पे स्ट्रगल किया होगा ऐसा वो कहते हैं कि हमने चाय बेचा, वही स्ट्रगल दिखाया हमने, हमने राजनीति दिखाई नहीं है उसमें। आरएसएस का कुछ उनका, वो आरएसएस में गए नहीं थे 14 साल तक, नहीं दिखा। वो कहानी जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि आरएसएस में तो गए नहीं थे वो, उनका जो सपना था, शायद आप गूगल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, वो दो ही चीज बनना चाहते थे, या तो एक्टर नेता या अभिनेता, और वो थिएटर भी ज्वाइन किया था उन्होंने, उसके लिए थिएटर भी जाते थे वो कहानी है उसपे, वो ही कहानी है बचपन की, वही कहानी है कि थिएटर कैसे वो जाके थिएटर में अंदर नहीं घुस पाते थे, थिएटर के अंदर घुसने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी, क्या स्ट्रगल था, हमने वो दिखाया, हमने राजनीति नहीं दिखाई है। स्टोरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना रिसर्च करना पड़ा, और उनके फैमिली मेंबर से किसी से मिले आप? सर, स्टोरी के लिए मेहनत तो सभी करते हैं, आज बिना स्टोरी मेहनत किए मैं कोई चीज आपको परोस दूंगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा, जब तक उसमें नमक नहीं होगा, मसाला नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा। हर चीज को पूरा तरीके से परखा गया, उसके बाद ही स्टोरी पे वर्क किया गया है। करण, आपसे जानना चाहूंगा ये रोल आपको कैसे मिला, किस तरह से मिला ये रोल आपको? करण, या कास्टिंग भी क्या थी? मैंने इस फिल्म के लिए बहुत ऑडिशन दिए थे, बहुत सारे बच्चे थे, मैंने ऑडिशन दिया, फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक फिर से कॉल आया कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, पूरा फाइनल नेम पर लिख किया है। उसके बाद मैंने 5-6 और ऑडिशन दिए थे लुक टेस्ट के लिए, फिर हमें सर धीरे धीरे हमें डायलॉग्स पूरे फिल्म के बताते नहीं थे, पर हमें सिखाते थे कि ये होगा, फिर मुझे शॉर्टलिस्ट किया, फिर हम रिहर्सल करते थे अहमदाबाद में फिल्म से, डायलॉग्स जो थोड़े कठिन है उस डायलॉग्स पे ज्यादा हम मेहनत करते थे। पवन जी, आपसे कहना चाहूंगा कि ग्लोबल आइकॉन है मोदी जी, तो गुजराती में क्यों फिल्म बना रहे हैं? मराठी है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है या हिंदी है? और इस फिल्म की डबिंग और भी लैंग्वेजेस में हो सकती है? बिल्कुल, इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी हमने सबसे पहले वो गुजरात से रिलेटेड है, और गुजरात के ही उनकी मातृभूमि है, और उनकी कर्मभूमि भी शुरुआत गुजरात से ही होती है, तो हमने पहला इनिशियल स्टेज उसे ही लिया है कि हम फिल्म को गुजराती में बनाए। बाकी आप लोग का प्रेम प्यार जैसा मिलता रहेगा उसके डबिंग के लिए अगर सोचेंगे। सेंसर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे? टीजर आ चुका है, टीजर है, तो सेंसर ने आपको क्या रिस्पॉन्स किया? सेंसर ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया है, सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बहुत परेशान किया, उसका पूरा का पूरा डिटेल है, मुझे 8 महीने तक उन्होंने रगड़ाया है, और कौन तक, प्रसून जोशी ने, हाँ, उनको मैंने मैसेज किया था क्लियरली, और प्रसून जोशी को मैंने मैसेज किया, फिल्म मेरी जब जूरी ने देख ली, उसके बाद मुझे यू देने के बाद
प्रसून जोशी ने धारा 80 या 83 कोई होती है उसके अंदर डाल के उसको कैंसिल कर दिया कि हम लोग इसको नहीं दे पाएंगे, कारण कि वो एक ऐसी फिल्म है कि भाई किसी के ऊपर है, तो बिना देखे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। एक बार उनको मैसेज किया, मैसेज है मेरे पास सारे, मैंने कहा जब आपने फिल्म ही नहीं देखी है, कोई फिल्म देखे बिना आप किसी को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3 बार सेंसर में डालने के बाद अप्रूवल दिया इस फिल्म का, उसमें भी बहुत सारे लोचे हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा आराम से बैठ के। लेकिन पवन जी, क्या मतलब क्या है लोचे वो बताइए ना, आप ही बताइए क्या लोचे। सर, प्लेटफॉर्म है आपके लिए भी देखा जाए तो मीडिया सामने। सर, लोचे यही है कि कोई फिल्म बिना देखे अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो बहुत सोचने समझने वाली बात है, क्या कर रहे हैं आप, कोई फिल्म बिना देखे बिना सोचे समझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। लोचा तो सबसे बड़ा ये है कि एक देश के आइकॉन का फिल्म बना रहा है, आइकॉन है मोदी जी, हमारे सबके आइकॉन है, उनके फिल्म बना रहे हो तो उनको भी सोचना समझना पड़ेगा। बट ऐसी हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने हमको थोड़ा टाइम लिया हमारे। तो पवन जी, इस फिल्म को प्रोपगंडा कह सकते हैं आने वाले इलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं कह सकते आप प्रोपगंडा, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है जो पॉलिटिकल से और किसी चीज से प्रेरित हो, जो उसको इलेक्शन के समय दिया गया हो, ऐसा कुछ। जैसे कि मार्च में आप कह रहे रिलीज हो रहा है, मार्च में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा फिल्म, 7 मार्च से लगेगा। हाँ, तो आपकी फिल्म तब 1 मार्च से, हमारी फिल्म 1 मार्च को है, 1 मार्च के बाद 7 मार्च तक उसके रिव्यू भी आ जाएंगे, तब तक कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज तक आजकल फिल्म की कहानी सिर्फ 3 से 7 दिन ही चलती है, 3 दिन में लोग 3 दिन 7 दिन में देख लेंगे। नहीं, पिक्चर नहीं उतार सकते ना आप, पब्लिसिटी बंद कर देंगे, सिर्फ पब्लिसिटी बंद करते हैं, पिक्चर नहीं बैन कर सकते आप। एक बार लग चुकी तो उतारेंगे कैसे, बैन पिक्चर बैन नहीं होती है, पिक्चर तो चलती है लेकिन पब्लिसिटी नहीं कर सकते, पब्लिसिटी वैसे भी 1-2-3 तारीख तक ही होती है। कितना कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे आप? मोदी जी खुद भिजवा देंगे तो शायद पता नहीं कितना भिजवाएं, लेकिन बाकी पब्लिक पे कितना कलेक्शन देती है। बाकी तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, वही बहुत है हमारे लिए, बाकी तो क्या मिलता ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप? अगर वो देखना चाहेंगे तो हमारी पहली कोशिश जरूर होगी उनको हम फिल्म दिखाएं कि हमने उनसे जिनके लाइफ से प्रेरित होकर उनके फिल्म बनाई है और एक बच्चे को मौका दिया है, तो और बच्चे ने कैसे नेगेटिविटी से पहुंचे वहां तक पहुंचा, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो देखना चाहें। सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो इस करण ने की है। तो पवन जी, आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या कहना है कि मोदी जी फिर से आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, यहाँ पे हम ना तो पॉलिटिकल सवाल जवाब के लिए हम दे सकते हैं आपको, इलेक्शन का माहौल तो पॉलिटिक्स ही नहीं बता सकते, हम लोग तो फिल्म वाले हैं, फिल्म बनाना ही जानते हैं, हम इलेक्शन के माहौल को तो क्या कह सकते हैं। तो कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है किसी भी तरह से इस फिल्म में, कोई सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सर, आप फिल्म के लिए इंटरव्यू लेने आए हैं या पॉलिटिशियन के लिए? नहीं, क्योंकि मोदी पे डिपेंडेंट है मूवी, इसलिए ये पूछ रहे क्वेश्चन। ये बीजेपी, मैंने आपको क्लियर बता दिया, 2 प्रोड्यूसर है बेचारे, दोनों के दोनों किसी उससे नहीं है, पॉलिटिकल उससे नहीं है। मैं सूरत बेस्ड हूँ, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ, मेरा कोई ले किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ये है यहाँ रहती है, ये यहाँ रहती है, इनका भी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ब्रोशर भी दिया है, इसलिए उस ब्रोशर में डिटेल भी है सारी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया सेट के ऊपर, और बच्चों के साथ काम करके मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि सारे बच्चों जो बच्चे भी कोऑपरेट थे और बच्चों के पेरेंट्स भी जो सेट पे थे हमारे साथ पूरे 40 दिन, उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आई कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, उन लोगों ने सबने पूरी तरह से मेरे को कोऑपरेट किया। और जो एक्टर्स हैं उसके अलावा भी, जो एक्टर्स उनके साथ कैसा इक्वेशन था, कैसा बॉन्डिंग था? इस फिल्म में एक मेन फादर, जो मेन लीड रोल में बच्चा है करण पटेल, उसके फादर का रोल ओमकांत दास मणिपुरी जी ने किया जो नत्था है, और अंसा सईद निकले जो इंस्पेक्टर पुरवा है CID में, उन्होंने किया है उसके मदर का रोल, तो वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है एक्टिंग में। और सबसे मतलब जो प्रिपरेशन हुआ तो जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टर का, उसके मतलब कि किस तरह से तैयारी हुई, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो आर्टिस्ट? हमने ऑडिशन से बच्चों को सेलेक्ट किया था, हमने बड़ौदा अहमदाबाद सूरत में ऑडिशन लिया, सेलेक्ट करने के बाद उनके 2-3-4 राउंड के इंटरव्यू लिए, उसका सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने उनको रिहर्सल की ट्रेनिंग दी लास्ट 15 दिन तक कंटिन्यू, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने उनको सेलेक्ट किया और चूज किया उनसे। तो आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेकर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और बहुत ही सोशल सब्जेक्ट का सेक्शन, तो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं आप? आगे प्रमोशन को लेकर प्लानिंग हमारी सिटी टूर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और FM रेडियो पे है, होर्डिंग्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि चाइल्ड वेलफेयर को लेकर फिल्म है, तो क्या ये टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगी, मतलब टैक्स फ्री रहेगी? ये तो हम कोशिश करेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारी कोशिश तो रहेगी कि बच्चों से रिलेटेड फिल्म है और साफ क्लीन फिल्म है तो उसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड मिले, और हमने इसमें इसके साथ हमारे साथ बच्चों की संस्था भी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे, बच्चे ये मोटिवेशनल फिल्म है तो बच्चे इसको देखें और इससे इंस्पायर्ड हों।
आपकी दो कहानियां गुजराती फिल्म रही है चलो दिवस और चल मैं जितवा जाए, तो ये जो फिल्में आई हैं पहले ये कंप्लीट कर पाएगी किस फिल्म को? देखिए कोशिश हमारी ज़रूर है, लेकिन हर पिक्चर अपने अपने अलग अलग जॉनर की है। वो छेलो दिवस एक अलग जॉनर की है और चलमन जितवा जी एक अलग जॉनर की है। ये एक मोटिवेशनल फिल्म है जो इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड फिल्म है, तो ये एक अलग जॉनर में है। क्या व्यू आज के दौर में जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री टाइज कर रही है, तो क्या विजन, क्या फ्यूचर देख रहे हैं और क्या विजन है आपका एज एन? गुजराती फिल्मों में पहले से बहुत चेंजेज आए हैं, अर्बन बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनने लगी है, टेक्निकल चेंज हुए, टेक्निक भी चेंज हुई है, लोगों का गुजराती फिल्मों के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ है, इसलिए हमने गुजराती फिल्मों में अभी स्कोप दिखा, हमने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो क्या गुजराती ऑडियंस टारगेट है आपका कि पूरा इंडिया टारगेट है और किस तरह से? देखिए फिलहाल तो हमारा टारगेट पूरा इंडिया ही है, लेकिन बट पहले हमने गुजराती बनाई है, तो पहले सबसे पहले हम गुजरात की जनता को ही चाहते हैं कि गुजरात की जनता हमारी इस मूवी को प्यार दे, जिससे हम वो आगे बढ़े। लास्टली पूछ रहा हूँ, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से? हम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ मैसेज, ये सब मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग इस फिल्म को देखिए और देख के अपने बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा दीजिए कि इतनी नेगेटिविटी आसपास होने के बावजूद भी बच्चे कैसे आगे बढ़े, उनको वैसा माहौल दीजिए जो तकलीफ उन लोगों ने झेली है, जिससे वो आगे बढ़ के और अपने गोल को अचीव कर सके। बहुत ही चैलेंजिंग रोल है कह सकते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जो पर्सनैलिटी है, बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही लाइकेबल पर्सनैलिटी, क्या कहते हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं इस रोल को प्ले करने में? मैं जैसे मेरे बचपन से मेरे नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक आइडल है, और हमारे देश के सभी बच्चे एक नरेंद्र मोदी जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो कार्य हमारे देश के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया है, और मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे इस फिल्म में उनका बचपन का रोल करने को मिला। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी जो मिली है उसके लिए बताइए, और अपने बारे में कुछ बताइए कि पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है एक्टिंग में आने से पहले? एक्टिंग में मेरे फैमिली में से कोई नहीं, मैं ही फर्स्ट हूँ। मैं 5 साल से एकेडमी में सीखता भी हूँ, और मैंने फिल्म भी की है, मैं शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, थिएटर भी करता हूँ। मेरे कला गुरु श्री चंद्रकांत ठक्कर मैं और आरती दीदी हैं, और मैं प्लेस करता हूँ, और मैंने आगे भी फिल्में की हैं। अपने अनुभव बताइए, जो शूटिंग हुआ है इस फिल्म का, कैसा अनुभव रहा है फर्स्ट जैसे लेकर जो आखिरी शेड्यूल तक का, कैसा अनुभव रहा है फिल्म? स्टार्टिंग से हमारे फिल्म के लिए ऑडिशन स्टार्ट हुए थे, ऑडिशन में बहुत सारे बच्चे आए थे, मैं भी गया था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे थे, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा अच्छा रहा, फिर थोड़ी दिन बाद मुझे कॉल आया, कॉल आके फिर मैंने इसके लिए लुक टेस्ट के लिए फिर से गया, हम डायलॉग्स के लिए हम रिहर्सल करते थे अहमदाबाद में, जो हम फिल्म में आने पूछने जो आते थे डायलॉग, उसको जो कठिन कठिन डायलॉग है उसके ज़्यादातर रिहर्सल करते हैं। फिर मेरे साथ और भी बच्चे हैं फिल्म में मेरे साथ, हमने फिल्म स्टार्ट की, हमने बहुत मज़ा किया, सर हमें सीखते और हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा शूटिंग खत्म हुआ। हाँ, मेरा क्लास का डायलॉग है कि तुम अगर जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है, और एक ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म है, जो बच्चे और सभी बड़े कोई भी फिल्म को देख के जो फिल्म देखेगा वो मोटिवेशनल जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। वो मुझे पता नहीं, पर हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि मोदी जी को ये फिल्म जरूर बताएंगे। तो आप ट्वीट वगैरह करते हैं, नहीं मैंने अभी कहीं ट्राई नहीं किया, वो तो अनिल सर है जो उनके उनको वो करेंगे, ट्राई करेंगे। थैंक यू। ये फिल्म सिर्फ फिल्म ही नहीं है, ये संदेश दे रहा है, सोशल मैसेज भी दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा गर्मावित महसूस कर रहे हैं इस फिल्म से? जो फिल्म लिखने बैठा था जब मैं, तब मैंने प्लान यही किया था कि एक मोटिवेशनल फिल्म हो, हर बच्चा आज किसी स्कूल में जाएंगे तो हर बच्चे से सर पूछेंगे तो कोई बोलेगा सलमान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं एक्स वाई जेड बनना चाहता हूँ। मोदी कोई नहीं बनना चाह रहा था, और मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक मोदी हो, हर पंजाब में एक, हर घर में एक सिंगर होता है, एक फौजी होता है, हम चाहते हैं कि इंडिया के हर घर में एक मोदी हो, हर घर में एक मोदी होना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि हर कोई एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है इंडिया में, ऐसा क्यों सर, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने काफ़ी रिसर्च किया होगा सर, मैं क्या लगता है? मैं पॉलिटिशियन बनाना ही नहीं चाहता हूँ, मोदी जी पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के अलावा भी उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको आप अगर देखेंगे जो देश की भलाई के लिए यूज़ होती हैं, मैं वो मोदी बनाना चाहता हूं। मैं एक पॉलिटिक्स नहीं कि एक पीएम बन गया तो सारे पीएम बनते हैं, पीएम नहीं बनाना चाहता हूं, मैं मोदी जैसा गुण डालना चाहता हूं, उस गुण को पिकअप करे, जो गुण उसमें होगा वो मोदी जैसा होना चाहिए।
लेकिन तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते हैं? गुण और भी है सर, एक गुण और भी है जो लोग बोलते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं और फिर होता नहीं है, बहुत सारे वादे उनके फेल हो गए हैं। फेकू पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या उनको लोग आजकल फेकू भी कहने लगे? उनको लोग बोल रहे हैं फेकू है, लेकिन आज तक जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ जितना उस चेयर पे आए हैं लोग, वो क्या उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया है? जो पीछे जिन्होंने सत्ता चलाई, हम वैसे तो उसकी बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बोल रहा हूँ, आप मतलब ये मत बोलिए फेकू, लोग बोल रहे हैं फेकू, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अपने दिल से पूछो ना वो फेकू है क्या। हम वही चीज़ चाहते हैं कि उनको अगर लोग फेकू बोलते हैं या कोई भी चीज़ ब्लेम करते हैं तो आप उनकी अच्छाई भी देखें और बुराई भी देखें, दोनों चीज़ें देखें। हम मानते हैं जो भी बुराई होगी वो होगी सामने, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छाई प्रेजेंट की है, मैं अच्छा ही देखना चाहता हूँ। देखिए मैडम, आपने फिल्म बनाई है, सवाल उठेंगे उठेंगे बोल रहे हैं, लेकिन सर हम हर सवाल को उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया पीछे वाले लोगों ने, राइट है, लेकिन जब ये भी नहीं कर रहे तो हम भी उनकी इनकी जो गिनती है वो उन लोगों ने कैसे नहीं कर रहे, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने? मैं ये चीज पूछती हूँ कि सुनिए, आज वो आए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो चार साल में, वो 15 साल की 20 साल की जो चीजें हैं वो 4 साल में पूरी कर दे, कैसे कर देगा कोई आदमी? अरे 15 लाख मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने 15 लाख बोला था, मैंने नहीं देखी ये चीज, उन्होंने बोला था, आपने सुनी थी ये चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, बात ये है कि जो आदमी राइट है वो राइट है। आप मतलब मैं ये बोलती हूँ कि दुनिया की सुनी हुई बातों को, मेरे पास अधूरी बात पहुँचती है, मैं उस अधूरी बात को यहाँ भेजती हूँ, अधूरी बात को आप तक भेजते हैं। बोलने पर आप इतने एक्साइटेड हो गए, क्या कुछ उसके कारण रहा पीछे? क्या कारण? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। आपके बोलने से नहीं होगा ना, मोदी जी अच्छे हैं। मैं अच्छा बोलूंगी ना तब मेरे पीछे चार लोग अच्छा बोलेंगे, मैं खराब बोलूंगी ना तो मोदी जी खराब बोलेंगे। ऐसा है, मैं इनकी बात को काट के सिर्फ एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, अगर वोट उनको जाता है तो जो बोलने वाले उनके मुंह बंद हो जाते हैं अपने आप, चाहे फेकू बोलो चाहे कुछ भी बोलो, अगर वोट उनको जाते हैं तो मैं सोचूंगा जो बोलने वाले वो बेवकूफ। अभी 5 राज्य हार भी गए हैं तो अभी आप बताएंगे? सर हारना जीतना वो एक, देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी हारी है ना, लोग जो वहां से जा मुझे यहाँ से कोई गड़ा करते हैं और मैं हारी हूँ तो मैं हारी हूँ, मोदी जी नहीं हारे, मोदी जी जीते हुए हैं, जीतेंगे, हार और जीत वो एक अलग वो है। जब स्टार्टिंग स्टेजेस में जब ये हो रहा था, जब स्टार्टिंग स्टेजेस में मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग इलेक्शन में जब मोदी जी चुन के आए थे तो जहाँ से भी सत्ता आ रही थी, जहाँ से भी सीट आ रही थी तो ये बोला जा रहा था कि मोदी की सीट है, अब की बार मोदी सरकार। अभी भी हम तो यही बोलते हैं, अब अब 5 राज्यों में हार गए हैं मोदी जी कंटिन्यूसली, तो अब आप बोल रहे कि वहाँ मोदी नहीं थे, तो फिर इस बार कैंडिडेट थे तो वो थे, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले ये चीजें कि जो कैंडिडेट उनकी जीत है? सर अगली बार आपकी बात को दोहराएंगे प्लीज, आप आगे बोलेंगे तो हम आगे आपके साथ ऐसे बोलेंगे मोदी जी। जहाँ बचपना गुजरा है सुनने वाली फिल्म वहाँ भी दर्शाई गई है? हाँ, वहाँ पे कुछ पार्ट लिए हमने, और कुछ पार्ट लिए, ज्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन हमने उनको उस तरीके से फिल्माया है, नियर बाय उनको करके फिल्माई। तो हिमालय भी गए थे, वो भी दिखाया गया। सर 14 साल के बाद गए थे, इसलिए मैंने 14 पे फिल्म काट दी है क्योंकि हिमालय में खो गए थे, मुझे पता नहीं है हिमालय से कब लौटे। उन्होंने एक मगरमच्छ पकड़ा था एक तालाब में, हाँ मगरमच्छ पकड़ा नहीं था असल में, मगरमच्छ को उठा के घर ले आए थे अपनी माँ के पास में, पर वो बच्चा था जस्ट लाइक ही छिपकली, नॉट ए मगरमच्छ। लोग उसको मगरमच्छ इसलिए बनाए क्योंकि वो मोदी लेके आए थे, अगर कोई और ला था तो वो छिपकली रहती बेचारी। ये सब चीजें दर्शाई गई हैं फिल्म में? सर देखो, मैं अगर 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म में सारी चीज़ें दिखाऊंगा, शायद मुझे लगता है कि मुझे फिर सीरियल बनाना पड़ेगा या वेब सीरीज बनानी पड़ेगी मोदी जी के ऊपर। क्या रखा हुआ है आपने? सर कॉमर्शियल चीज़ें बहुत सारी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और उसका एक मोटी मोदी जी आइटम सॉन्ग में अगर आ जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन एक कवाली है जो बहुत ही सुपर्ब गाई हुई है और जिसमें दर्शाया गया है। आपने अगर आइटम सॉन्ग की बात करें, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग एंटरटेन होते हैं आइटम सॉन्ग से, क्यों नहीं रखा? सर वो कहानी से रिलेशन नहीं था उसका,
उसका कहानी से रिलेशन नहीं था। अच्छा। अगली फिल्म बना रहा हूँ एक, उसमें तीन आइटम सॉन्ग है। वो भी नाम यही होगा, मोदी जी बनवा मांगू छू। हाँ, हूँ नरेंद्र मोदी बनवा मांगू छू, मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूँ। सब कुछ चुनाव का सीजन आ रहा है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, आपको नहीं लग रहा है कांग्रेस पे सवाल उठाएगी आपकी फिल्म चलने नहीं देगी? नहीं, फिल्म चलने देंगे या नहीं चलने देंगे वो रोक देंगे फिल्म को, कि मोदी जी की फिल्म है रोक देंगे। फिल्म देख लो मोदी जी की है या मोटिवेशनल फिल्म, वो देख लो आप, देखने के बाद डिसाइड करो क्या है। मुझे सेंसर मिल गया है, मैं अप्रूवल में हूँ, मैं उसको रिलीज करूँगा 1 मार्च को फाइनल। सेंसर को लेके फिर से वापस एक बार करना, सेंसर में प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि वो बीजेपी के ही देन है जो यहाँ बिठाए गए हैं, पहले किसी को पायलट नेलानी को हटा के उनको लाया गया। हाँ, सेंसर की ये देन है कि सेंसर ने बिना फिल्म देखे सिर्फ जूरी ने यू दे दिया था मुझे यू सर्टिफिकेट, लेकिन जब साइन करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए पहुंचा तो उसको एक धारा के अंतर्गत रोक दिया, जिसमें शायद 8 या 9 फिल्में आज तक रुकी हैं पूरी उसमें इंडस्ट्री में, उसमें फिल्म डाल के रोक दी कि वापस से इसको रिवाइजिंग कमेटी में डालो। जब रिवाइजिंग कमेटी में डाला गया, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, एक गरीब आदमी, मैं ये मान के चलता हूँ मैं गरीब हूँ, 1,00,000 रुपया भर के वापस से सेंसर क्यों कराऊँ जब आपने फिल्म नहीं देखी, उसको रोका क्यों है आपने? देन उनका एक सवाल का जवाब भी है मेरे पास जो उनके असिस्टेंट ने भेजा, सर ने बोला है सॉरी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आप फिल्म वापस रिवाइजिंग कमेटी में लगा दें। तो मेरे पास है डिटेल सारी, नेक्स्ट रिवाइजिंग कमेटी में लगाने के बाद मुझे यूए सर्टिफिकेट दे दिया। कितने कट्स लगे इस पे? एक भी कट नहीं लगा मेरी फिल्म में, एज इट फिल्म। मोदी जो नाम आपने यूज़ किया उसके बारे में क्या रिएक्शन था? सबका रिएक्शन है कि ये पूरा टाइटल जो मिलता है वो इम्पॉसिबल है, फर्स्ट टाइम मुझे मिला, फिर विवेक ओबरॉय को मिला अभी। थैंक यू। काव्य प्रोडक्शंस को मैं हैंडल करता हूँ, यू कैन से एज ए ऑफिशियल मैनेजर टू काव्या, और इनके जो भी है प्रैक्टिकलिटी मूवीज़ को लेके रिलेट को लेके जो भी है डॉक्यूमेंट सब मैं हैंडल। इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या मकसद था, किस तरह से चैलेंज है इसके और क्या करने के लिए? या एक्चुअली अवर CEO पवन जी पुदार सेल्फ मेड मैन है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद बने हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे वो हमारे ऊपर है तो आज हमें सपोर्ट है कि वो है, वो हमें गाइड करते हैं, बट उन बच्चों का क्या जो जिनके ऊपर कोई नहीं है, उनकी स्ट्रगल क्या है? तो उस पर हम लोगों को था कि जो बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, गाइडलाइंस हो कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी जो, तो उस पॉन से पवन जी का ये थॉट था कि एक मूवी बनाई जाए जो एक रोल मॉडल भी बने, मैसेज भी जाए, मोटिवेशनल मैसेज भी हो, तो उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया प्रोजेक्ट का। तो क्या करना चाहेंगे कि जो प्रोडक्शन आपने लॉन्च किया है रीजनल मूवीज पे कंसंट्रेशन करना चाहते हैं या अलग अलग लैंग्वेज में करना चाहते हैं? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट, हम लोग रीजनल पे स्टक नहीं रहेंगे। अब एट द एंड ये जनता डिसाइड करेगी, ये मूवी डिसाइड करेगी कैसा रहता है, अगर ये अच्छा जाता है तो हम फिर इसको ग्लोबली भी करेंगे इस मूवी को भी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग गुजराती पे स्टक है, वी विल ट्राई ईच एंड एवरी हैंड। जान तो मतलब गुजराती कम्युनिटी, लेकिन मोदी को ही आपने चुना है, जैसे मैंने पहले पूछा था कि अलग और भी पॉलिटिशियन है इंस्पिरेशनल फिगर इंडिया में, तो मोदी को फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ द 80% पॉलिटिशियंस का मुझे स्ट्रगल नहीं दिखता, जिनका स्ट्रगल है भी वो PM की पोस्ट पे नहीं। आज जो है हमने मोदी जी को इसीलिए लिया है क्योंकि वो PM की पोस्ट पे है, हो सकता था यहाँ मोदी जी नहीं मनमोहन जी होते बट वो PM की पोस्ट पे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हम लोग पर्टिकुलर सीट को जो उन्होंने अब गेन की है। क्रिकेट हर बंदा खेलता है, हर कोई विराट कोहली नहीं है, कैप्टन नहीं है, जो जो कैप्टन है उसी आखिर आया वर्ड्स मिलेंगे, तो हमने वो उनको लिया। इनसे भी ज्यादा स्ट्रगल एक और बंदे का है, APJ अब्दुल कलाम के बाद बिल्कुल उन पे आपने क्यों नहीं सोचा, ये इनसे ज्यादा स्ट्रगल मोदी से ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है? यस, मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, उन्होंने सोशली बहुत इन्वॉल्व भी रहे मैं मानता हूँ एग्जैक्टली, बट जो हमारा फोकस था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काफ़ी चीज़ उन्होंने मोटिवेट किया भी है, जो उनकी बच्चे की जर्नी है वो हमने इसमें दिखाई है, तो एज ए स्ट्रगल पार्ट हमें अच्छा वो लगा बचपन से, तो हमने वो किया है। यूजुअली प्रोडक्ट्स हम यही सोच रहे हैं कि मोटिवेशनल हो, लोगों को इनोवेशन मिले, जो हमसे सपोर्ट मिल सकता है, जो मैसेजेस कन्वे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कन्वे कर पा रहा है, सोसाइटी को डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम एक वाया कोऑर्डिनेटर है कि उनका हम लोग मैसेज दे रहे हैं।